Assalamualaikum guys, hope you are all fine. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है what is carrier protein and what is channel protein. आज हम carrier channel protein के बारे में डिस्कस करेंगे पहले और फिर हम carrier protein के बारे में डिस्कस करेंगे one by one. चैनल प्रोटीन जो होता है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि ये एक इंट्रेंसिक प्रोटीन होता है जो स्पिन होता है इंटायर द सेल मेम्ब्रेन. हैज़ यू कैन सी हियर दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द चैनल प्रोटीन विच इज़ स्पिन इन इंटायर द सेल मेम्ब्रेन. इसके दो डोमेन्स होते हैं. एक डोमेन इसका जो फेस करता है आउटसाइड ऑफ द सेल वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जबकि इसका दूसरा डोमेन फेस करता है इनसाइड ऑफ द सेल जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, इसके जो दोनों डोमेन्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग इन नेचर होते हैं. ठीक है, जो सिलेक्टिवली वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू दिस चैनल प्रोटीन. कंसेंट्रेशन और या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन एज वेल एज रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट को थ्रू दिस चैनल. ठीक है, ये चैनल जो होता है ये दो टाइप्स का होता है. या तो ये रिमेन ओपन, वो चैनल प्रोटीन दो किस्म के होते हैं. या तो ये रिमेन ओपन रहेंगे ऑल द टाइम्स या ये क्लोज हुए होते हैं थ्रू गेटेड्स. और ये गेट्स जो होते हैं ये इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये चैनल जो होता है इट जस्ट लाइक अ टनल होता है. इससे आयन ईजली पास आउट हो जाते हैं. इसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर चैनल प्रोटीन का कैरियर प्रोटीन से. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रोटोन कैल्शियम पम्प. इसके अलावा हमारे पास एंटीपोर्टर लाइक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सिम्पोर्टर लाइक सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट 2. ये पांच इसकी बेस्ट एग्जांपल है चैनल प्रोटीन को प्रोटीन की होती है. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चैनल प्रोटीन जो होता है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए. दैट्स वाई इसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन जो होता है वो भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है. अच्छा, ये जो होता है ये थोड़ा चैनल प्रोटीन से थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंट होता है इसलिए क्योंकि इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल. अच्छा, जो मॉलिक्यूल होता है वो इसके एक साइड से बाइंड होकर फिर फ्लिप होकर दूसरे साइड पर रिलीज होता है, जबकि चैनल प्रोटीन में ऐसा नहीं होता. चैनल प्रोटीन में वो एक जस्ट लाइक अ टनल है. मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ टनल. टनल में जस्ट लाइक होल होता है तो उसे आप इजीली विदाउट एनी रेजिस्टेंस आप इजीली पास आउट हो जाते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. कैरियर प्रोटीन में आप जो मॉलिक्यूल होता है वो चैनल प्रोटीन के वो प्रोटीन के एक तरफ बाइंड होता है एंड देन वो फ्लिप होकर दूसरी तरफ रिलीज हो जाता है. रिलीज हो जाता है. ठीक है, चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसी वजह से इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैरियर प्रोटीन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द चैनल प्रोटीन. चैनल प्रोटीन का रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है जबकि कैरियर प्रोटीन का रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था, डिफरेंस भी था और चैनल प्रोटीन क्या है कैरियर प्रोटीन क्या है. होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड होप कि आप इस वीडियो के ज़रिए अब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप एबल होंगे किसी और को भी समझा सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.